लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी शारदा चरण। एक ही निगाह ने निश्चय कर दिया, लज्जा ने मुझे जीत लिया। एक ही निगाह से सुशीला ने भी मुझे जीता था। उस निगाह में प्रबल आकर्षण था, एक मनोहर सारल्य, एक आनंदोगार जो किसी भांति छिपाए नहीं छिपता था, एक बालोचित उल्लास मानो से कोई खिलौना मिल गया हो। लज्जा की चितवन में क्षमा थी और थी करुणा, नैराश्य था वेदना थी। वो अपने को मेरी इच्छा पर बलिदान कर रही थी, आत्म परिचय में उसे सिद्धि है। अपने को उसने बुद्धिमानी से सारी स्थिति ताड़ ली और तुरंत फैसला कर लिया। वो मेरे सुख में बाधक नहीं बनना चाहती थी, उसके साथ ही यह भी प्रकट करना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर तुम मुझसे जो भर खींचोगे तो मैं तुमसे गज भर खींच जाऊंगी। लेकिन मनोवृत्तियां सुगंध के समान हैं जो छुपाने से नहीं छुपती। उसकी निठुरता में, नैराश्य में वेदना थी, उसकी मुस्कान में आंसुओं की झलक। वो मेरी निगाह बचाकर क्यों रसोई में चली जाती थी और कोई न कोई पाक जिसे वो जानती है कि मुझे रुचिकर है बना लेती थी। वो मेरे नौकरों को क्यों आराम से रखने की गुप्त रीति से ताकीद किया करती थी। समाचार पत्रों को क्यों मेरी निगाह से छुपा दिया करती थी। क्यों संध्या समय मुझे सैर करने को मजबूर किया करती थी। उसकी एक एक बात उसके हृदय का पर्दा खोल देती थी। उसे कदाचित मालूम नहीं है कि आत्म परिचय रमणियों का विशेष गुण नहीं। उस दिन जब प्रोफेसर भाटिया ने बातों ही बातों में मुझ पर व्यंग्य किए, मुझे वैभव और संपत्ति का दास कहा और मेरे साम्यवाद की हंसी उड़ानी चाही, तो उसने कितनी चतुरता से बात टाल दी। पीछे से मालूम नहीं उसने उसे क्या कहा, पर मैं बरामदे में बैठा सुन रहा था कि बाप और बेटी बगीचे में बैठे हुए किसी विषय पर बहस कर रहे हैं। कौन ऐसा हृदय शून्य प्राणी है जो निष्काम सेवा से वशीभूत न हो जाए। लज्जावती को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, पर मुझे ज्ञात हुआ कि इसी मुलाकात में मैंने उसका यथार्थ रूप देखा। पहले मैं उसकी रूप राशि का, उसके उदार विचारों का, उसकी मृदु वाणी का भक्त था। उसकी उज्ज्वल दिव्य आत्मज्योति मेरी आंखों से छिपी हुई थी। मैंने अब की ही जाना कि उसका प्रेम कितना गहरा, कितना पवित्र, कितना अगाध है। इस अवस्था में कोई दूसरी स्त्री ईर्ष्या से बावली हो जाती, मुझसे नहीं तो सुशीला से तो अवश्य ही जलने लगती। आप कुढ़ती, अपने उसे व्यंगों से छेदती और मुझे धूर्ति, कपटी, पाषाण, न जाने क्या क्या कहती। पर लज्जा ने जितने विशुद्ध प्रेम भाव से सुशीला का स्वागत किया, वो मुझे कभी न भूलेगा। मालिन्य संकीर्णता कटुता का लेश न था। इस तरह उसे हाथों हाथ लिए फिरती थी मानो छोटी बहन उसके यहाँ मेहमान है। सुशीला इस व्यवहार पर मानो मुग्ध हो गई और वो दृश्य भी चिरस्मरणीय है। जब लज्जावती मुझसे विदा होने लगी, प्रोफेसर भाटिया मोटर पर बैठे हुए थे। वो मुझसे कुछ खिन्न हो गए और जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहते थे। लज्जा एक उज्ज्वल साड़ी पहने हुए मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई। वो एक तपस्विनी थी जिसने प्रेम पर अपना जीवन अर्पण कर दिया हो। श्वेत पुष्पों की माला थी जो किसी देव मूर्ति के चरणों पर पड़ी हुई हो। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, कभी कभी पत्र लिखते रहना। इतनी कृपा की, मैं अपने को अधिकारिणी समझती हूँ। मैंने जोश में कहा, कहाँ, हाँ हाँ अवश्य अवश्य अवश्य। लज्जावती ने फिर कहा, शायद ये हमारी अंतिम भेंट हो। न जाने मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी।
फिर कभी आ सकूंगी या नहीं, मुझे बिल्कुल भूल न जाना अगर मेरे मुंह से कोई बात ऐसी निकल आई हो जिससे तुम्हें दुख हुआ हो, तो क्षमा करना और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए, हाथ कांप रहे थे, कदाचित आंखों में आंसुओं का आवेग हो रहा था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी, अपने जब्त पर अब उसे भरोसा न था। उसने मेरी ओर दबी आंखों से देखा, मगर इस अर्ध चितवन में दबे हुए पानी का वेग और प्रवाह था। ऐसे प्रवाह में मैं स्थिर न रह सका। इस निगाह ने हारी हुई बाजी जीत ली। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गदगद स्वर से बोला, नहीं लज्जा, अब हम में और तुम में कभी वियोग न होगा। सहसा चपरासी ने सुशीला का पत्र लाकर सामने रख दिया। लिखा था, प्रिय श्री शारदाचरण जी, हम लोग कल यहां से चले जाएंगे। मुझे आज बहुत काम करना है, इसलिए मिल न सकूंगी। मैंने आज रात को अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। मैं लज्जावती के बने बनाए घर को उजाड़ना नहीं चाहती। मुझे पहले ये बात न मालूम थी, नहीं तो हम में इतनी घनिष्ठता न होती। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि लज्जा को हाथ से न जाने दीजिए। वो नारी रत्न है, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग रूप उससे कुछ अच्छा है, और कदाचित आप उसी प्रभोलन के कारण मुझसे पीछे पड़ गए। लेकिन मुझ में वो त्याग, वो सेवा भाव, वो आत्मोत्सर्ग नहीं। मैं आपको प्रसन्न रख सकती हूँ, पर आपके जीवन को उन्नत नहीं कर सकती, उसे पवित्र और यशस्वी नहीं बना सकती। लज्जा देवी है, वो आपको देवता बना देगी। मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती। कल मुझसे भेंट करने का विचार न कीजिए। रोने रुलाने से क्या लाभ, क्षमा कीजिएगा। आपकी सुशीला। मैंने यह पत्र लज्जा के हाथ में रख दिया। वो पढ़कर बोली, मैं उससे आज ही मिलने जाऊंगी। मैंने उसका आशय समझकर कहा, क्षमा करो, तुम्हारी उदारता की दूसरी बार परीक्षा नहीं लेना चाहता। ये कहकर मैं प्रोफेसर भाटिया के पास गया। वो मोटर पर मुंह फुलाए बैठे थे। मेरे बदले लज्जावती आई होती तो उस पर जरूर ही बरस पड़ते। मैंने उनके पद स्पर्श किए और सिर झुकाकर बोला, आपने मुझे सदैव अपना पुत्र समझा है, अब उस नाते को और भी दृढ़ कर दीजिए। प्रोफेसर भाटिया ने पहले तो मेरी ओर अविश्वासपूर्ण नेत्रों से देखा, तब मुस्कुरा कर बोले, ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी।